सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अब हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 23वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महान भाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहां पर जो कोर्स बना हुआ है उस कोर्स के माध्यम से संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आइए मित्रों, चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, आपका सूत्र था हेतव, ये हमने पढ़ा था हेतव, ये सूत्र था आपका हेतव। आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे आगे, और एक नया कारक भी आरंभ हो रहा है। हमने कर्ता भी पढ़ लिया, कर्म भी पढ़ लिया और करण भी पढ़ लिया। अब नंबर आता है संप्रदान का। सूत्र का उच्चारण मैंने आपको करा दिया था, फिर भी एक बार कीजिएगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 569 है। कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम्। ठीक है, चलिए अब इसका सामान्य सा है। देखिए, कर्मणा ये तृतीय विभक्ति एक वचनांत है, यम यम प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, अभिप्रैति ये क्रियापद, अभिप्रैति ये क्रियापद है, क्रियापद है, ठीक है। सह ये सह है, अलग करेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत आप जानते ही हैं। संप्रदानम ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, ठीक है, यही पर सरल है इसलिए मैंने यही कर दिया। चलिए अब आगे देखिए, इसमें कोई समास नहीं है, कोई भी समास नहीं है, सभी पद अलग अलग है। ऊपर से कारकी का अधिकार चल ही रहा है संपूर्ण सूत्रों में। क्या कहते हैं, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञः स्यात्। बहुत सरल है, ये कहते हैं कि दान के माने दान क्रिया के कर्म द्वारा, कर्म द्वारा दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति जिसको प्राप्त किया जाता है, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने प्राप्त किया जाता है, सह संप्रदान संयम संयः स्यात्। वह कारक कौन सा कहलाता है, अर्थात दानस्य कर्मणा माने दान रूपी क्रिया का जो कर्म, ठीक है, ध्यान देंगे, दान रूपी क्रिया का जो कर्म बनता है, उस कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति जिसको प्राप्त करता है, उस जिसको प्राप्त करता है उसकी यहां पर क्या होती है, संप्रदान संज्ञा, अर्थात वो संप्रदान संज्ञा वाला होता है। अभी उदाहरण आगे आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। एक बार और देखिएगा, दानस माने दान क्रिया का जो कर्मणा माने कर्म है, उसके द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है, अभिप्रैति माने प्राप्त किया जाता है, अपने अनुकूल बनाया जाता है, वह वह माने यम संप्रदान संज्ञः स्यात्, संप्रदान संज्ञक हो भी। और कह रहे हैं संप्रदान संज्ञक जिसकी होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो आगे आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने महर्षि पतंजलि पाणिनि जी का सूत्र उतारा 570 वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी संख्या चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, इसमें दो ही पद हैं, कुछ नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, संप्रदाने ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, सरल है, कुछ नहीं करना। इसका अर्थ कहते हैं, अच्छा ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। उदाहरण दिया, विप्राय गाम ददाति, देखिए यहां समझना है, विप्राय गाम ददाति,
अब इसका जो अर्थ है, इसका जो पूरा अर्थ है वास्तव में, कि कोई व्यक्ति है विप्रमाने ब्राह्मण को गाय देता है, गाय देता है तो गाय के बहाने से वो ब्राह्मण को प्राप्त होता है, ब्राह्मण के समीप जाता है, ब्राह्मण के साथ अपना संबंध बनाता है, ब्राह्मण को अपने अनुकूल बनाता है, ब्राह्मण मेरी बात में हाँ में हाँ करने लगे। ठीक है, तो क्या है, विप्राय गाम ददाति, तो ये कहा दानस्य कर्मणा, तो दान क्रिया, दान क्रिया ये है, इसका कर्म क्या है, गाम, गाम है, गाय को देता है, तो गाय को देता है। अब गाय को देकर के वो जिससे अपना संबंध बनाता है, किससे बनाता है संबंध, विप्र से, तो विप्र की क्या हुई, संप्रदान संज्ञा, तो संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसने क्या कहा, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो विप्राय ये चतुर्थ्यंत पद बन गया। ठीक है, अनभिहित, इसमें ऊपर से अनभिहित का भी अधिकार आ रहा है। ठीक है, कि जो ये जिसकी हम संप्रदान संज्ञा कर रहे हैं और उसमें जो चतुर्थी कर रहे हैं संप्रदाने चतुर्थी से, वो अनभिहित में ही होती है, अर्थात अनभिहित माने कृतधित समास और तिंग, ठीक है, तिंग कृतधित समास से वो अभिहित नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये विप्र, विप्र था, ये किसी से कहा नहीं गया, या गाम को तो कह, गाम भी नहीं कहा गया, या ददाती क्रिया कर्ता, कर्ता को कह रही है। ठीक है, तो कर्ता तो यहां पर क्या है, हमने अध्ययन कर लेंगे, साह, साह मतलब वह व्यक्ति विप्र के लिए गाय देता है, तो ये अनभिहित है, इसलिए चतुर्थी हो गई है, ये भी ध्यान रखेंगे, अनभिहित संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति स्या। अब देखिएगा, दीयते अस्मै दानियो विप्रः, यहां पर ये इसका प्रत्युदाहरण दिखा रहे हैं, कि यहां पर विप्रः, दानियो विप्रः, दानियो विप्रः का अर्थ है कि देने योग्य ब्राह्मण, मतलब जिसको दिया जाने योग्य चीज है कोई भी वस्तु, तो ऐसा विप्र, तो दीयते अस्मै, तो दीयते अस्मै, इसको दिया जाता है, अर्थात जिसको दिया जाता है वो क्या कहला, दानियो ब्राह्मणः, तो दानियो ब्राह्मणः, यहां विप्र को जो अर्थ आ रहा है, देना अर्थ जो आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है, दानीय में अनियर या अनीय प्रत्यय है, वह प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय ने ही दीयते अस्मै इस चतुर्थ्यर्थ को कह दिया, तो ये क्या हो गया, अभिहित, ये अभिहित हो गया कृत के द्वारा, इसलिए यहां पर इस चतुर्थी संप्रदाने में संप्रदान मान करके चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, अर्थात दानीय ब्राह्मण देने योग्य ब्राह्मण, देने योग्य ब्राह्मण को देने योग्य, अतः ऐसा ब्राह्मण जिसको कुछ पदार्थ दिया जा सके, तो यहां पर ये अभिहित होने के कारण से चतुर्थी नहीं हुई है, यही दिखा रहे हैं। देखिएगा, अब आगे कहते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं, कि हमने यहां कहा था दान से कर्मण, दान रूपी क्रिया का जो कर्म, परंतु ये अब थोड़ा सा और बढ़ा रहे, कह रहे क्रियया यम अभिप्रैति सोपी संप्रदानम, ये वार्तिक है, कात्यायन महाराज जी ने कहा चलो इसको थोड़ा और विस्तार कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि क्रिया के द्वारा भी, यदि कर्म नहीं हो, क्रिया के द्वारा भी जिसको प्राप्त किया जाता है, तो जिसको प्राप्त किया था उसकी भी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, तो जैसे, तो वही सोपी संप्रदान, पत्ये शेते माने पति के लिए, शेते माने पति को प्राप्त करती है, अर्थात शयन क्रिया के द्वारा पति से अपना संबंध बनाती है, पति के सामीप्य को प्राप्त करती है। ठीक है, क्या कहा, तो यहां पत्ये शेते माने पति, तो माने किसके द्वारा, शयन क्रिया के द्वारा कोई स्त्री है वो अपने पति को प्राप्त करती है।
तो इसमें यहां पर इसकी क्रिया के द्वारा या कर्म नहीं है तो इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान संज्ञा होने से पत्ये ये चतुर्थी विभक्ति इसमें हो गई। ठीक है, और आगे कहते हैं एक वार्तिक है, यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानम संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। कहते हैं कि यज धातु का जो कर्म है ठीक है उसकी करण संज्ञा और संप्रदान संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा ठीक है ऐसा कह रहे हैं। माने यज धातु के कर्म की करण संज्ञा के कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा करनी चाहिए। उल्टा कर दिया, करण की क्या कर दिया जी, ये करण की का वो कर्म की कर दी करण संज्ञा और संप्रदान की कर दी कर्म संज्ञा। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, इसका जो उदाहरण है वह है पशुना रुद्रम यजते। यहां तो अब ये पशुना रुद्रम यजते इसका अर्थ क्या है, पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ। या यज धातु वास्तव में देने अर्थ में है, तो इन्होंने कहा कि वाक्य यज धातु का जो कर्म है उसकी करण संज्ञा हो जाती है। इस जो यज धातु का यह करण क्या है, वो कर्म क्या है, यज धातु का जो कर्म है उसकी करण संज्ञा। तो यज धातु का जो कर्म क्या है, पशु, तो पशु की क्या हो गई करण संज्ञा, करण संज्ञा होने से करण कर्त्री करण ये उस तृतीया से तृतीया हो गई। और रुद्राय, रुद्राय ये क्या है, संप्रदान, तो संप्रदान की क्या कह दी इन्होंने इस वार्तिक से, कर्म संज्ञा, तो संप्रदान की कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई और इसमें तृतीया हो गई। पशुना ये क्या है वास्तव में, ये धातु का कर्म है उसकी करण संज्ञा कर दी और ये रुद्र, रुद्र क्या है, ये संप्रदान संज्ञक है, संप्रदान की यहां पर कर्म संज्ञा कर दी। तो उदाहरण बन गया पशुना रुद्रम यजते, तो पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ। तो ये धातु यहां देने अर्थ में विद्यमान है, तब ये इसमें कर्ण की कर्म संज्ञा क्या है, ये कर्म की, कर्म की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा जाननी चाहिए। चलिएगा, तो मित्रों आज की कक्षा में मैं आपको केवल यही एक सूत्र पढ़ा, दो सूत्र पढ़ाता हूं, आगे की कक्षा में चतुर्थी का प्रकरण चलेगा, लंबा चलेगा, तो आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अनुवादों में हर अनुवाद में हम आरंभ से ही पढ़ाते हैं इनको, संस्कृत सिखाने के आरंभ में ही हम इन सभी सूत्रों को अनुवादों में प्रयोग कर करके बतलाते हैं। तो अब ये आपको यहाँ पर विस्तार से पढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। चलिए इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं मित्रों। आप पढ़िएगा और देववाणी संस्कृतम ऐप को जन जन तक ले जाइएगा, ये संस्कृत के क्षेत्र में अपने आप में एक यूनिक ऐप है। यहाँ पर बहुत सारे अनेक कोर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं और निरंतर हम आपके लिए नए नए कोर्स लेकर के आते रहेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।